हम फिर से हाजिर हैं एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के साथ जो हमारे किसी दोस्त या हमारे किसी पारिवारिक सदस्य के सामने कभी भी आ सकती है। आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसका चेहरा लटका हुआ हो, बाहों में कमजोरी महसूस होती हो और बोलने में कठिनाई होती हो, तो यह समय तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने का है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये लक्षण स्ट्रोक के हैं। तो आखिर स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे दिमाग के टिश्यूज यानी ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता। ऑक्सीजन के बिना दिमाग के सेल्स और टिश्यूज नष्ट हो जाते हैं या फिर निष्क्रिय होने लगते हैं। इससे हमारे शरीर की गतिविधियों पर असर पड़ने लगता है। स्ट्रोक किन वजहों से होता है? शरीर की किसी धमनी में रुकावट की वजह से होने वाले स्ट्रोक को इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है और रक्त वाहिकाओं में रिसाव होने या उनके फटने को हेमोरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। कुछ लोगों को दिमाग के ब्लड फ्लो में टेम्पररी रुकावट का अनुभव हो सकता है, जिसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी TIA भी कहा जाता है। इससे स्थायी नुकसान नहीं होता। शरीर के सारे कामों को दिमाग नियंत्रित करता है, लेकिन जब इस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो यह शरीर के उन अंगों के कामकाज पर असर डालना शुरू कर देता है जो स्ट्रोक से प्रभावित हो रहे हैं। स्ट्रोक का इलाज कैसे किया जाता है? सबसे पहले डॉक्टर रोगी का मुआयना करेंगे और तत्काल सिर का स्कैन करने के लिए कहेंगे, जिससे पता चल सके कि दिमाग के किस हिस्से में क्षति हुई है और किस तरह का स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक के प्रकार की शुरुआती पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हर प्रकार का एक अलग उपचार है। इस्केमिक स्ट्रोक, जो किसी रुकावट या क्लॉट यानी थक्के के कारण होता है, इसमें थक्के को हटाने के लिए क्लॉट बर्स्टिंग दवा दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर उपचार के लिए एस्पिरिन का उपयोग भी कर सकते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो कि रक्त वाहिकाओं के फटने से होता है, इससे खून का रिसाव होता है, जिसके कारण दिमाग में सूजन आ जाती है। इसका इलाज सर्जरी से किया जाता है, जबकि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी TIA के मामले में स्ट्रोक के लक्षण 24 घंटे से कम समय में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। TIA ये संकेत देता है कि इंसान को आगे चलकर गंभीर स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा है। स्ट्रोक का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है? बहुत से ऐसे कारक भी हैं जो स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिसमें वजन का अधिक होना, मोटापे का होना, आरामदायक जीवन शैली, ज्यादा शराब का सेवन, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा होना, धूम्रपान करना, डायबिटीज होना, दिल से जुड़ी कई बीमारियों का होना या परिवार में किसी को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने की हिस्ट्री का होना शामिल है। स्ट्रोक से कैसे उभरा जा सकता है? एक बार जब किसी को स्ट्रोक आ जाए तो उसे तुरंत दवा लेनी शुरू करनी चाहिए, जिससे कि आगे होने वाले स्ट्रोक को रोका जा सके। ये दवाएं जीवन भर लेनी होती है। किसी स्ट्रोक के असर को निष्क्रिय किया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है। दिमाग धीरे धीरे अपनी खोई हुई क्षमताओं को फिर से पा सकता है। अगर स्ट्रोक किसी इंसान के कम्युनिकेशन, बोलने और उसकी भाषा पर असर डाले, तो किसी स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ली जा सकती है। ऐसे में अगर रोजमर्रा के कामों को करना भी मुश्किल होने लगे, तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज और घर पर किए जा सकने वाले उपचार के बारे में सलाह दे सकते हैं। स्ट्रोक के बाद भी अक्सर लोग बुझे-बुझे से और निराश महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों को करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में काउंसलर उन्हें इस तरह की भावनाओं से उभरने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रोक को कैसे रोका जा सकता है? अगर किसी को पहले भी स्ट्रोक हुआ है, तो भविष्य में इसके रिस्क को रोकने के लिए कई छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि स्ट्रोक की सबसे पहली वजह यानी अपने उच्च रक्तचाप को कम करना, स्मोकिंग को छोड़ना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी भोजन लेना, शराब का सेवन कम करना और डायबिटीज को नियंत्रण में रखना। अपने डॉक्टर की सलाह से स्ट्रोक को रोकने की ऐसी रणनीति पर काम करें जो आपके लिए कारगर हो। इसमें चिकित्सा और जीवन शैली में बदलाव करना शामिल है। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।